बॉस ओटीटी का संडे वीकेंड का वार एपिसोड काफी कमाल का होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर एल्विश यादव और मिस्टर फैजू को अनिल कपूर जो है कटघरे के अंदर खड़ा करने वाले हैं। उनसे कुछ तीखे सवाल पूछे जाएंगे उन्हीं दोस्तों के बारे में जो दोस्त लोकेश कटारिया और अदनान शेख के बारे में मिस्टर फैजू को एल्विश यादव ने तीखे सवाल होंगे, उनकी गवाही ली जाएंगे। दरअसल यहाँ पर अनिल कपूर जो है इन दोनों को कटघरे में खड़ा करते हैं, उन दोनों के साथ एक टास्क करवाते हैं। इसी दौरान यहाँ पर दोनों में काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो जाते हैं, बल्कि माहौल एकदम सा गर्म सा हो जाता है। यहाँ तक कि एल्विश तो यह तक कह देता है, अगर खुल के बोलूँगा तो मेकर्स को ये सीन कट करना पड़ेगा और सेंस करने पड़ेंगे। और दरअसल होगा कुछ यूँ कि यहाँ पर अनिल कपूर जो है वो इन दोनों को कटघरे में खड़ा करेंगे। इसके बाद कहेंगे कि आप दोस्तों के ऊपर आरोप लगेंगे, उनके जवाब आपको चाहता हो। तो पहले वो यहाँ पर एल्विश से सवाल करते हैं, कहेंगे कि आपको दोस्त लोकेश पर यह आरोप है कि लोकेश मंदिर का एक घंटा है जिसे कोई भी आके बजा के चला जाता है। यह सुनकर दोस्त यहाँ पर एल्विश कहते हैं कि इसे बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हो। लोकेश अपने लिए खूब जो कि खुलकर स्टैंड लेता है, उसे पता है कि कहाँ सही है क्या गलत है, कहाँ स्टैंड लेना है और कहाँ पीछे बैकआउट करना है, सारी चीज़ें अच्छे से वो जानता है, अच्छा गेम खेल रहा है। इसी वजह से बाद अदनान के बारे में यहाँ पर मिस्टर फैजू से सवाल किया जाएगा कि पूछा जाएगा कि अदनान तो बहुत बड़ा पलटू निकला, वो बाहर से तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आया था और लोकेश को यह कर दूंगा वो कर दूंगा, और घर में आया तो उसी को हेड ऑफ द हाउस बनाने के लिए लड़ रहा है, उसके साथ आपको सपोर्ट भी कर रहा है, क्या आपको दोस्त पलटू इंसान है? तो जिसके बाद मिस्टर फैजू ने कहा, देखो उसका ऐसा सीन है, अदनान का भी सही साथ देगा, गलत के साथ गलत ही, और वह यह बात जानता है, घर के अंदर एंटर हुआ था तभी से वो बोलते आ रहा है कि आगे देखो तो खुदा जो चाहता है वैसा ही होगा। हाँ दोस्तों, इस तरीके से यहाँ पे दोनों में तीखे सवाल का करारा जवाब दिया, और कहीं ना कहीं सवाल जवाब के चक्कर में मिस्टर फैजू और एल्विश के बीच नोकझोंक भी हुई। दोनों यहाँ पर एक दूसरे के साथ बिग बॉस के सेट पर लड़ने लगे, अलग अलग बिग बॉस चलेगा। तो फिलहाल इस सीन को देखने के लिए कितने एक्साइटेड हो प्लीज़ कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में।